नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार सैफर्ट। सैफर्ट टैक में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लाया हूं मैं सोनी का एक सब बूफर, जो इसकी आज मैं करूंगा क्लीनिंग। बहुत ही गंदा हो रहा है ये, काफ़ी टाइम हो गया इसको साफ़ नहीं किया। तो अंदर से इसको आज स्पीकर दिखाएंगे इसका, और इसको सफाई करेंगे, इसकी क्लीनिंग करेंगे और दिखाएंगे इसकी कितनी मिट्टी निकल ली है। ये सोनी होम थिएटर है, सब बूफर है ये सोनी का। इसका जो वेस है काफ़ी जानदार वेस है, अच्छी आवाज़ आती है इसमें और काफ़ी हाई वेस है। तो आज देखिएगा फ्रेंड, मैं इसकी सफाई करने वाला हूँ, कितना कैसे इसे खोला जाएगा, कैसे कैसे इसकी सावधानी बरतनी होगी। सावधानी से खोल के इसकी सफाई कर सकते हैं आप, तो आप देखिएगा। हेलो फ्रेंड, मैं इसको खोलने का तरीका बताता हूँ। इसे साइड से ही खोला जाएगा, इसे साइड से ही खोलेंगे। क्या हुआ फ्रेंड, ये मेरा स्पीकर थोड़ा सब बूफर जो इसका वेस स्पीकर है, वो ज़्यादा तेज आवाज़ के कारण, काफ़ी टाइम चलने के कारण इसका स्पीकर ख़राब हो गया है। तो आज मैं चेक करता हूँ इसे, इसका स्पीकर में क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है, इसे खोल कर चेक करना पड़ेगा फ्रेंड। तो फ्रेंड हम इसका देखते हैं जुगाड़, कैसे खोलते हैं इसे। इसमें कोई ना कोई जुगाड़ दे रखा हो। खोलने का तरीका तरीका जरूर होगा खोलने का। इसको खोलने का तरीका बताता हूँ फ्रेंड, मैं इसमें आपको दिखा दूँ। अगर आपको खोलना है तो आप इसे कैसे खोल सकते हैं, आप देख रहे हो ना, ये साइड में एक हल्का सा खांचा दे रखा होगा। ये देखो, ये देखिए फ्रेंड, ये इसमें हम पेचकस हल्का सा फंसा के उसे हम ओपन करेंगे इसको। ये इस साइड भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए फ्रेंड, इसके ज़रिए हम हल्का हल्का इसे प्रेस करेंगे तो ये खुल जाएगा। देखिए फ्रेंड, हल्का हल्का इसे चारों तरफ से प्रेस करेंगे तो ये खुल जाएगा फ्रेंड। देखिएगा फ्रेंड, मैं कैसे खोल रहा हूँ उसे, आराम आराम से पेचकस फंसा के इसको खोल रहा हूँ। इसमें इस टाइप से आप पेचकस फंसा के खोल सकते हैं जी, और ये कितने आराम से खुल गया है। इसको घुमाते जाइए और इस तरीके से खोल जाइए, ये आराम आराम से ऐसे से खुल जाएगा और ये करके रखकर खुल चुका है। अब मैं करता हूँ इसकी सफाई, काफ़ी गंदा स्पीकर है। इसके लिए तो कोई कपड़ा ले लो अच्छा सा, या ब्रश ले लो, काफ़ी धूल मिट्टी इसमें जम रही है, तो हम अच्छे कपड़े से साफ कर लेते हैं। या आपके पास ब्रश हो तो आप ब्रश से साफ़ कर सकते हैं, या कोई कपड़े से भी साफ कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को सफाई रखने के लिए काफ़ी टाइम तक वो चलता रहता है। इसके अंदर देखो कितनी सारी धूल मिट्टी निकल गई, देखिए आप कितनी सारी धूल मिट्टी जमी पड़ी है। इसको ब्रश से ही साफ करना पड़ेगा ठीक ठाक से, जब ये साफ होगा इसे बाद में साफ करेंगे। अब देखते हैं स्पीकर को, फिलहाल में देखते हैं हम इस स्पीकर को। देखिए फ्रेंड, काफ़ी गंदा ये भी स्पीकर हो रहा है,
एक बेस स्पीकर है, ये आपको कितना इंची पड़ रहा है, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये 7 इंची के करीब, 7-7.5 इंची के करीब स्पीकर है। साढ़े सात इंची स्पीकर है, 7 इंची या 7.5 इंची आप मान सकते हो। काफ़ी अच्छा स्पीकर है, इसका बेस काफ़ी अच्छा है। तो इसकी मैं सफाई कर देता हूँ, इसे ठीक से साफ कर लूँ, चारों तरफ जितनी मिट्टी मिट्टी हो अलग हटा सकते हो आप, कपड़े से ब्रूश से जिससे आप साफ कर सकते हो। पर आप चाहो तो बेस के लिए एक मार्केट से भी बेस लाकर, एक लकड़ी के बॉक्स बनाकर उसका भी सब वूफर स्पीकर बना सकते हो आप, काफ़ी अच्छी आवाज़ है। ये सोनी की है, सोनी का कंपनी का है, तो उसका अलग ब्रांड है। अब मैं इसके जो पैच है वो खोल के आपको दिखा रहा हूँ, पेचकस के जरिए इसे आराम से इसके पैंच खोल सकते हो। आप देख सकते हो मैं कैसे इसके पैंच खोलने में लग रहा हूँ। चारों तरफ से इसके पैंच खोल सकते हो, काफ़ी इसके साथ मिलते हैं आपको कितने पैंच, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पैंच मिलते हैं जो काफ़ी मजबूत से इसे कस रहे हैं। हेलो फ्रेंड, आप देख सकते हो मैं इसमें से पैंच अलग हटा रहा हूँ, सारे खोल दिए मैंने, सारे पैंच अलग उठा के दिखा रहा हूँ मैं, एक तरफ साइड में रख लेते हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको इसका स्पीकर, हेलो फ्रेंड देख सकते हो आप इसका स्पीकर, काफी गंदा स्पीकर रखा हुआ है, यह डबल मैग्नेट में आता है और इसमें पिन आती है, जिससे कि हम इसके स्पीकर को अलग हटा सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी चीज़ दी रखी है, इसको साफ करेंगे आप देख सकते हो, इस पर मलेशिया कंपनी का नाम लिखा है और नंबर भी लिखा है, ये मलेशिया में बना हुआ स्पीकर है। काफ़ी भारी स्पीकर है, इसको थोड़ा जब से ना
इसमें पता नहीं चल रहा है कि क्या खराब है। देखने में तो अच्छा लग रहा है, आप इसकी सफाई कर सकते हो, इसको चेक करके फिर दोबारा से इसको लगा सकते हैं। लगाएंगे, आप देखो आपने स्पीकर देखा, इसकी मैंने क्लीनिंग कर दी है, अब इसको हम लगा देंगे। आप भी इसकी सफाई ऐसे घर में कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें।